हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो आज अभी हम चेकआउट कर रहे हैं और चेकआउट करने के बाद हम जबलपुर घूमने जाएंगे। तो जबलपुर में तीन चार स्पॉट्स जो है, सो जबलपुर को हम लोग वाइट मार्बल सिटी भी बोलते हैं क्योंकि इधर नर्मदा जी है ना, मार्बल्स जो रॉक्स है उस पे से पास होती है और वही प्लेस है, उसको बोलते हम बेड़ा घाट। तो अभी हम तुरंत जा रहे हैं बेड़ा घाट विजिट करने के लिए और होटल अभी चेकआउट कर रहे हैं। चलो मिलते हैं। बाय बाय रोम, मिलते हैं बेड़ा घाट पे। तो फिर इधर क्या हुआ है, इधर बेसिकली क्या है? ये मार्बल्स का पूरा एरिया है सर। अच्छा जब बरसात होती है ना सर, तो जितना ये रोपवे देख रहे हैं ना, ये पूरा डूब जाता है। अच्छा रोपवे तक। जी, यहाँ तक ये पूरा फुलफिल हो जाता है। और राइट में जो आप मार्बल देख रहे हो ना सर, हाँ ये वाइट मार्बल है। ये धूप और पानी की वजह से काले हो गए। अच्छा और जाने का रास्ता, ये पैदल जाने का रास्ता भी है यहाँ पे, लेकिन हाँ हम लोग सजेस्ट करते हैं हम रोपवे से जाइए, क्योंकि न्यू बेड़ा घाट अभी बना है। अच्छा आपको वाटरफॉल तो दिखता ही है, और ऊपर से पूरे मार्बल रॉक्स की जो सुंदरता होती है ना, वो भी अच्छा आपको दिखाई देती है। अच्छा तो ठीक है, उधर ही चलते हैं। तो हम ये बेड़ा घाट के मार्केट पे घूम रहे हैं, मार्बल वाइट मार्बल इधर बहुत ही मिलता है। मार्बल के कितने शिवलिंग से, वाओ। बेड़ा घाट वर्थ इट है देखने लायक, मार्बल की कलाकारी। चलो रोप वे में देखते हैं कैसा है। तो जो रोप वे है, रोप वे में आपको बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा देखने में। इसका टिकट 145। वाओ क्या बढ़िया रोप वे है। तो बेड़ा घाट का ये रोप वे पे मैं जा रहा हूँ और फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में मैं अकेले जा रहा हूँ इस रोप वे में, तो ये और ही अच्छा लग रहा है। अरे तो इधर से, इस रोप वे से मैं पूरा आपको नर्मदा जी का पूरा व्यू दिखा दूंगा। लेकिन वन ऑफ द गुड थिंग ये है कि ये रोप वे में कोई है ही नहीं और इसका टिकट 145 रुपीज़ है। लेकिन 145 के हिसाब से जो व्यू और जो ये दिखा रहे हैं, तो वर्थ इट तो है ही। देख लीजिए, मुझे तो डर लग रहा है भाई बैठे बैठे। तो आप देख सकते हो नर्मदा का जो व्यू है, इसी को बेड़ा घाट बोलते हैं। तो बेड़ा घाट ये मार्बल्स है, ये मार्बल्स एक्चुअली ये मार्बल्स काले क्यों हो गए, क्योंकि ये अगर इसको पॉलिश कर देंगे तो ये सफेद ही रहेंगे, लेकिन ये अभी काले हो गए हैं। जो आ रहा है मेजर व्यू अपना, वाह ये है गाइस, ये एक व्यू है, यही है मेन बेड़ा घाट। क्या व्यू है, वाह वाह क्या व्यू है। ये पूरा मार्बल्स से कट कट के बन गया है और बहुत ही बढ़िया व्यू है बेड़ा घाट का। यही है जो मेन असली व्यू जो है, यही है गाइस, यही है बेड़ा घाट। उधर से लोग देख सकते हैं, वो पॉइंट है जहाँ से है ना, लोग है ना फिजिकली देख सकते हैं, और हम लोग है ना रोप वे से आए हुए हैं। रोप वे का मजा ही कुछ और है और अलग है, मजा आ गया देख के इसे। क्या व्यू है, वाह क्या पानी है। बढ़िया है बढ़िया। वैसे ही देखते रहे कितना मजा लगता है।
जो हमने अभी देखा था ऊपर से, उसका फ्रंट व्यू कितना बेहतरीन है। ये है व्यू, यहाँ से वाटरफॉल हो रहा है। चलो मिलते हैं, बहुत ही अच्छा लगा जबलपुर आके और बेड़ा घाट देख के। चलो बाय बाय। तो हम आ गए बोटिंग पॉइंट, नौका विहार प्रवेश द्वार। यहाँ से हम अंदर जाएंगे, बोटिंग करेंगे। चलो मिलते हैं। यहाँ की गहराई 220 में 220 डीप वाटर। क्या ना सर, साइड घंटे की शूटिंग फिल्म का नाम था प्राण जाए पर वचन ना जाए। यही आए थे सुनील दा, प्रेम नाथ, साथ में आई थी रेखा। सुनील दा ने प्रेम नाथ को उठा उठा के फेंका। ये देखना है हरी घास के पास हल्का सा गुलाबी कॉर्नर पर हल्का पिंक, यही हरी घास के पास नहा के बैठी थी रेखा। रेखा की साड़ी का कलर देखा, उतनी जगह पिंक हो गया मार्बल। साड़ी तो बॉम्बे की थी इसलिए कलर चला गया, जबलपुर की होती साड़ी फट जाती कलर नहीं जाता। बाबूजी सामने वाली जगह का नाम नेचुरल भूल भुलैया कन्फ्यूजन पॉइंट। सर गैस करो, अंदाजा लगा चलना है कि साइड सही बताने वाले को मिलेगा बम्पर प्राइस। बताइए लेफ्ट चलना राइट, लेफ्ट लेफ्ट, सुन लीजिए बम्पर प्राइस, जो बोलेगा सही उतार देंगे यहीं। यही है बम्पर प्राइस। अरे जो सही बोला उसको उतार देंगे। सभी लोग को देखना है बैक साइड। सर बैक साइड देखो, सिलेटी मार्बल ग्रे स्टोन। पहले के बच्चे लोग उसी में लिखते पढ़ते और आजकल के बच्चे कागज खराब करते, मम्मी पापा को परेशान करते। बच्चे लोग मारते हैं नकल, उनको नहीं आती अकल और खेलते पबजी बिगाड़ लेते शकल। फिर शादी के बाद आती है अकल। ये देखना है सभी लोग को ऊंचा वाला पहाड़, यही गोल्डन मार्बल मेकानास गोल्ड। यहाँ की सेकंड मूवी जलजला। कलाकार धर्मेंद्र डेनी, शत्रुघ्न सिन्हा, जंपिंग टॉप। लेकिन वो जंप नहीं लगाते, उनके डबिंग करा जाते। अगर वो जंप लगाएंगे दोबारा फिल्मों में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ की गहराई ज्यादा नहीं है 350 फीट। बोलते 350 और बसवा नहीं तो सर्वे कर सकता हीरो। बाबूजी बैक साइड देखना है, जंगलों में एक होटल बना है एमपी टूरिज्म वालों का। होटल मोटल रुकने का 4090 उसका टोटल, फ्री मिलती एक बोतल। लेकिन बोतल है बिस्लरी 2 लीटर वाली फ्री, कुछ और मत समझना। जिनकी नई नई शादी होती उसी होटल को बुक करा लेते और सेकंड बार आते धर्मशाला ढूंढते फिरते। हाँ कैसा खत्म हो जाता है। हो रहा कमेंट में भैया मजा आ रहा है। ये देखो मार्बल में होगा छेद,
मार्बल में छेद और छेद के लगा लो भेद, पैसों का नशा है छेदा ही छेद। बताइए सभी लोग क्या ना सर, पानी की मार से कच्चा वाला मार्बल निकल चुका 100 पिस्टन, इसलिए छेद छेद हो गया। जब वर्षा काली आती बाढ़ डूब जाती आधे आधे पहाड़ और बंद कर देते नौका विहार। 15 जून से बोर्ड बंद, 15 अक्टूबर में चालू। 8 महीने घुमाते बोर्ड से और 4 महीना पैदल पैदल रोड से। अरे पत्थर की कार बड़ी है बेकार, बजरे भी लेकर देखिए आप लोग को कार। राजकुमार किसका नाम, जिनका नहीं रहता काम वही लेता फसलों में नाम, और सुसाइड करके हो जाता बदनाम। आप लोग सर चक्के बैठ जाइए, पट्टी से पूरा बोर्ड बैलेंस आप ही लोग से बना हुआ है। और वही निकलते मगरमाछ, मगरमाछ हाँ ज्यादा नहीं है, दो बड़े दो छोटे, मम्मी पापा दो बच्चे, देखना तो नहीं मगरमाछ, देखना है किसी को दिख गया तो अच्छा ही है, जिसको भी देखना हो बाजू वाले को धक्का मारना पड़ेगा, सभी को दिख जाता है। आप लोग बोर तो नहीं हो रहा कमेंटी में? नहीं नहीं मजा आ रहा है। ये देखो बैक साइड शंकर भगवान का नंदी बैल, पहाड़ का आकार नंदी बैल बैठा पूरा बोल बैल, नंदी बैल नटबड़ और बुद्धू बैला कई नामों से जाना जाता। समझ गए तू आर्ट, वो नहीं समझे तो मॉडर्न आर्ट। आप लोग घूम रहे बेड़ा घाट, ठीक है आप लोग। शंकर भगवान का पिंडी रखा नन्ना सा भाई, टापू में सामने की साइड बोट के आगे। इंदौर की महारानी थी अहिल्याबाई होलकर, उनके द्वारा स्थापना है पिंड। पिंड को हो गया काफी साल पुराना, एक जादू का डेली आना जाना। आप लोग मानते हो, प्रेम से जोड़ लीजिए हाथ, बोलिए शंकर भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, पार्वती मैडम की जय। सेल्फी का जमाना, मैडम बोलो देवी जल्दी प्रसन्न हो। दूध की सफेदी निर्मा से आए, रंगीने मार्बल भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निर्मा। टॉप पे देख रहा है काली काली खोई, किसी ने तब किया था रामा स्टैंड, अभी सीट खाली वैकेंसी है जारी, जिसकी इच्छा जा सकता। किनारे लगा देते बोट और धक्का मार के चढ़ा देते रोड, आना जाना फ्री, गाड़ी को 108 फ्री। भाई साहब मार्बल देखो पेपर वाइट, पेपर वाइट दोनों साइड, कितना मारा है लाइट, देखते चलो आगे की साइड। बैक साइड देखो बाबूजी, तीन चेहरे नजर आएंगे सभी लोग, बैक साइड भैया तीन चेहरे बने हुए हैं, उन्हीं का नाम ब्रह्मा विष्णु महेश, पानी में डूबे खड़े यार, यही है बंदर कुन्नी हनुमान लापी। हाँ राम के जमाने में 12 फीट की दूरी थी, कूद गया था बंदर, पूछेगा बंदा तू जाएगा 600 फीट के अंदर। सर सामने वाला सीन लिया फिल्म अशोका, करीना मैडम शाहरुख खान, करीना मैडम डांस करके गाना गाती, रात का नशा भी आँख से गया नहीं। 2003 मई का था महीना, करीना आई थी बोट से, पब्लिक आई थी पैदल पैदल रोड से, एक ने बोला हाय करीना, डंडा पड़ा बोला बाय करीना। हाँ तो जय भैया वो कैसे आता ही। और शाहरुख नहीं है, सभी लोग जो आप लोग देखने आए ना सर, यही वाला सीन।
ये देखो सभी लोग बाबूजी हाथी के पैर क्या हाथी के पैर गोल गोल काटे क्या क्या हाथी के पैर बने हैं। देखो द्रौपदी का कंधान रितिक का रिंग देखो गोल गोल कोने में देखा रिंग नहीं देखा रिंग। ये देखो हाथी मस्ताक बाहुबली टू का हाथी वाइट वाला ये वाला देखो भैया हाथी बाहुबली टू का हाथी हाथी की मूड़ हाथी रहा धूड़ कहाँ गई इसकी सूढ़। सभी लोग भैया पीछे वाला बैकग्राउंड निकालना है सभी लोग को यही सीन ना बेहतर जाता है। सामने वाला सीन लिया सर मोहन उदाड़ो बोट के सामने वाला सीन जो रितिक भाई साहब मगर को मारते ना यही वाला सीन लो करना के बचा।